पंजाब की जेलों में अब स्वाइन फ्लू और अन्य महामारियों से बचाव के लिए सरकार गंभीर है, जिसके चलते अब जेलों में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में एक विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कपूरथला की सेंट्रल जेल से की गई। इस विशेष कैंप में केंद्रीय जेल कपूरथला, जहां पर तकरीबन 2800 से ऊपर कैदी हैं, लगाया जा रहा है। स्वाइन फ्लू के साथ साथ एड्स और नशे से ग्रस्त रोगियों की भी जांच की जा रही है। जेल प्रबंधन के अनुसार पंजाब सरकार के निर्देशों पर केवल कैदियों के स्वास्थ्य की ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग की तंदुरुस्ती के लिए भी स्पोर्ट्स और कल्चरल कार्यक्रमों के लिए बकायदा एक कैलेंडर बनाया गया है। दिन भर चले इस मेडिकल कैंप में जहां एक तरफ सरकारी डॉक्टरी अमला तैनात था, वहीं एनजीओ सहायता की ओर से अमेरिका कैलिफोर्निया से 3 डॉक्टरों का एक विशेष पैनल भी शामिल हुआ, जिसने 300 से ज्यादा कैदियों और हवालातियों के अलावा जेल स्टाफ के कर्मचारियों का चेकअप किया। जिन भी लोगों में स्वाइन फ्लू और अन्य महामारियों के लक्षण मिले, उन्हें अगले मेडिकल कैंप निरीक्षण के लिए भेजा गया है। पहला सानू मतलब जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सानू ये मेडिकल का फ्री कैंप लगवाया। पहला लोगों को बाहर लैन दवाइया लैन जाना पैंता, टेस्ट बाहर करवाना पैंता, पर अज इन्होंने इतने कैंप लगवाया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन सानू ये फैसिलिटियां मिली, हर साढ़े बीमारी का चेकअप किया गया। Veterans Administration in the United States. My first question to you, how do you feel for this event? Well, I look forward to doing this event. I've been doing it for the past 12 years with Sahita, and I enjoy it. Today's event is now in the Central Jail. What is the different with other events and jail event? What you recognize? Today you checked prisoners, what type of problem you find, what type of number of patients you can see? The numbers are basically the same. Patients we're seeing here, for me, is primarily secondary to old injuries, ankles, knees, and most commonly back injuries, that, things like that. What is your suggestion to the prisoners? Try to take better care of themselves, primarily, and don't pass off minor, what they deem as minor injuries. Get it looked after, because that's the problem. They tend to take these minor injuries and it gets prolonged and become major problems, because they haven't been taking care of themselves with it. So. What type of precautions? Precaution is minor, is not going for the prolonged and convert to the major. Primarily, yeah. You add some suggestion to the jail administration for their better treatment. What type of suggestion you can get? Well, that I can't really say, since this is our first visit here, so you know, we haven't been able to really make any suggestions to what that. But you know, this event, I guess, will be a first step, you know, having more things like this, if it will help in taking care of the patients with their health, you know. So both the administration and the prisoners both seem to appreciate and enjoy what we're doing, so I guess that would be a good thing. Thanks a lot. Thanks. ओके, मेरा नाम विंदर ढिल्लों, मैं है ना अमेरिका तो आई हूँ, कैलिफोर्निया तो। मैं बच्चों के आई सी यू च नियो नेटल आई सी यू नर्स हाँ, तो मेरे नाल डैनियल भी उत्थों ही अमेरिका तो ही आए हैं असी सारे, तो सहायता ना जुड़े हुए सानू तकरीबन 10 साल हो गए। मैं इन्हां लई वॉलंटियर उत्थे अमेरिका च करदी हाँ, तो पहली मेरा यह पहला कैंप आ इंडिया विच 23 साल बाद। सो रियली आई वॉन्ट टू सी हाउ द मेडिकल सर्विसिज आर प्रोवाइडेड इन इंडिया। सो वास्ते जिदा हम इतने जेल च कैंप लगाया,
एवरीबडी हैज़ इशूज़ बट ज़्यादातर असी देखे जिन्हें भी पेशेंट हजे तो असी देखे उन्होंने ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर ब्लड सो पीपल डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स सो इट्स गुड टू एजुकेट देम एंड टेल देम व्हाट टू डू सुजैशन यही आ भी जिदा हम ब्लड प्रैशर वाले जो पेशेंट से ज्यादा उन्होंने ब्लड प्रैशर किसी का 200 तो भी उत्ते एंड दैन दे कंप्लेन ओ साडा सिर दुखदा आ पर ब्लड प्रैशर कोई चैक नहीं करवाता है तो असी यही उन्होंने सुझाव दिता आ भी तुसी अपना सॉल्ट इनटेक घट कर सकते हो उहदे नाल ब्लड प्रैशर थोड़ा ठीक हो सकता आ वॉक एक्सरसाइज करो उहदे नाल थोड़ा जिदा ब्लड प्रैशर नॉर्मल आ सकता थल्ले तुसी बिना दवाइया तो अपनी सेहत की टेक केयर करो बहुत पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा सानू फीवर या कॉफ या जो कोल्ड आ तो उन्होंने जो सिम्पटम्स आ डॉक्टर साहब गाह चेक करके तो वी कैन गाइड दैम टू गो सी द हॉस्पिटल लाइक मेडिकल कैंप लगा की फायदा की हो रहा है लोग सर यदा यह फायदा है कि नॉर्मल मेडिकल हो रहा है और वधिया तरीके कर रहे हैं और ये हर एक मरीज़ को अच्छे तरीके देख रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा जो भी प्रॉब्लम है तो बरीकी तरीके उन्होंने देखा जा रहा अगे ये की मदद मिलती है कि पहले बाहर जाना पैंता सी हुण जेल के अंदर ही कैंप लगना शुरू हो गया जी की फायदा हो जिहड़ा जेल के अंदर कैंप लग रहा है उहदे नाल लेडीज़ और जेंट्स नूं बहुत ज़्यादा फायदा है ते फायदा अज डॉक्टर साहब ने दवाइया भी दित्तियां की हो रहा है दवाइया भी दे रहे हैं अखां दा भी चैकअप हो रहा है शुगर चैकअप हो रहा है सारे चैकअप हो रहे हैं और वधिया फायदा है तुसीं सरकार तों मंग करदे हो कि इहो जे कैंप लगने चाहिए जी लगने चाहिए है जेडे बाहरों दवाइया नहीं मंगवा सकते जेडे अंदर भैन भरा बैठे है उन्होंने इदा के कैंपा का बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए और नैक्सट टाइम भी लगना चाहिए है जी जेल अच्छ कैंप लगा की फायदा होता ये हर एक मैडिकल का जो भी पेशेंट को कोई तकलीफ है वह हर एक चीज़ की सुनवाई हो रही है हर एक दवाई मिल रही है चैकअप हो रहा हर एक चीज़ की तसली मरीज़ चैकअप हो रहा है जेल प्रशासन का बहुत धन्यवाद है बहुत वधिया उपराला है इस तरह होंदे रहने चाहिए बहुत बहुत सारे कैंप्स का जिस तरह देखा और कैदियों के हवालातियों के काफ़ी जोड़ा है रुझान है वो अपनी अपनी बीमारी बारे डॉक्टर साहबान दस रहे हैं कोई ना कोई अपने अपने बीमारी जिस तरह भी उन्होंने कम लैक ऑफ कम्यूनीकेशन है मेडिसन के अपना वहम कढ़ के लिए सारा जोड़ा है हेल्थ कार्ड के साथ मेडिकल ऑफिसर सारे साडा स्टाफ अज पूरी एफर्ट्स के नाल इन्हों चैकअप कराया जा रहा है और जो जो भी उन्होंने बीमारी आ रही हैगी है उस दे संबंध विच असी सारा जिहड़ा है उन्हां दा इलाज उहदा साडे मेडिकल ऑफिसर जिहड़े हैगे उस अनुसार करनगे स्टूडेंट साहब जिद्दां कि पंजाब च कीड़ियां बहुत बीमारियां जिहड़ियां ने महामारियां वी पईआं ने पिछे पंजाब दे विच स्वाइन फ्लू दे नाल वी काफ़ी मौतां होईआं ने कि इन्हां गल्लां उत्ते वी फोकस कीता जा रिहा स्वाइन फ्लू एड्स या नशियां तों दूर रखणी इन्हां तिन्हां चीज़ां ते वी इहो जिहा मेडिकल कैंप नाल फोकस कीता जा रिहा एज़ फार द कंसर्न ऑफ स्वाइन फ्लू हैगा तो असी जदों ये स्टार्ट होया स्वाइन फ्लू का तो असी सिविल सर्जन नाल कॉन्टैक्ट करके उन्होंने पोस्टर वगैरह जिस तरह सानू दिते उन्होंने हाईलाइट करने के लिए असी अंदर बैरस वगैरह से लगाइया और सिविल सर्जन असी एक रिक्वेस्ट लैटर भी लिख के भेजा भी जो भी तुहानू प्रकॉशनस ने सानू दस दिन असी उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा अंदर ब्रीफ भी इनमेट्स नू काफ़ी किया उहदे नाल सानू काफ़ी अच्छी असिस्टेंस मिली है हाँ अज के कैंप के भी जोड़ा है मैक्सीम फोकस किया जाऊगा स्वाइन फ्लू तो तुम किस तरह बचना है और रश वाली थान पर नहीं जाना है और कोई भी थोड़ा ज़्यादा बुखार हो रहा है कोई सिर दर्द हो रहा है जो जे सिमटम्स ने सू जो है चैक करा सकते हैं इन्हों असी स्पैशलिस्ट डॉक्टर तो भी चैक करा सकते ये जी टीम आई है इन्हों की भी असी कोई ना कोई जो ऐसा पेशेंट होएगा तो असी उन्होंने चैकअप करावे एड्स और नशा एक एड्स भी दोनों चीज़ें आपस जुड़िया खड़िया ने कि जेल कपूरथला जेल भी इन्हों भी कैदियों के मनों चेंज करने नशे तो और जो कोई एड्स का होंगे वो भी प्रबंध कर रहे हाँ जी जोड़ा हैगा एड्स का कंसर्न हैगा वह तो खैर जदों ऑन एडमिशन ही असं सारे बंद चैक कर लें
और कोई होंदा है तो उन्हें क्लासीफाई करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ART सेंटर जलंधर तो जिहड़ा हैगा चलवाया जा रहा है एडवाइज बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। सो कैंप से बिच भी जो कोई इस तरह की आएगी सिम्पटम आए तो उसे उन्होंने भी ट्रीटमेंट दिता जाए। नशे ड्रग डिडिक्शन तो असी ओट वाला सिस्टम भी इतने हैगा साढ़े को ओट के एट प्रेजेंट अबाउट साढ़े को बिलो 200 साढ़े को इनमेट्स ने दे आर टेकिंग मेडिसन एज एडवाइज बाय द साइकेट्रिस्ट एंड अवर डॉक्टर तो वो डेली बेसिस से जिस तरह हैगा उन्होंने स्पैशलिस्ट डॉक्टर सू एडवाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग वो मेडिसन लै रहे हैं। ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਆਰਡਰ ਬਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਟਰਮਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 31-20 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। बुलंद टीवी के लिए सुल्तानपुर लोधी से निर्मल सिंह की रिपोर्ट।